स्विमर की माताजी बन गई हैं गॉड मदर। अरे अरे जरा ठहरिए, माताजी को खुद याद नहीं कि वो स्विमर की माताजी हैं। माताजी ने भुला दिया है अपने उस बहू को जिसने उनके लिए हर अग्नि परीक्षा दी। माताजी को याद है तो सिर्फ अपने बेटे, अपना प्रेम। कौन से इस अवतार में, इस जिंदगी में मुझे सिमर के बारे में कुछ पता नहीं। बेटा, व्हाइट पैच तो अभी भी है, बाकी सारा गेटअप चेंज हो गया है। हम अब उस जिंदगी में नहीं हैं जिस जिंदगी में थे। अब हमारी अलग जिंदगी है। हमें पता नहीं हम क्या थे, हमें इतना पता है कि हम जब से थे ऐसे ही। ये सिमर के भूतिया ससुराल में माताजी का मेकओवर है। पहले कुछ ऐसा और अब कुछ ऐसा। अंदाज हरियाणवी और लहजा ठेठ देसी। सीरियल में भारद्वाज परिवार गुम है और गुम है उनकी याददाश्त भी। और आज की जिंदगी हमें यही मालूम है कि मैं माताजी हूँ, मेरे साथ प्रेम और सिद्धांत है। सिद्धांत मेरा राइट हैंड है, अमर उसका सेक्रेटरी है, और क्या बोलते हैं, जो प्रेम है वो वैसे का वैसा ही अच्छा लड़का है। तो यस, अब आप इस ट्विस्ट में, इस स्टोरी में, इस स्टोरी लाइन में हम सबको एक नए किरदार में देखेंगे और डिफरेंट गेटअप्स में देखेंगे। एक बात समझ, मैं किसी का भाई भाई नहीं हूँ। हाँ लेकिन भाई जरूर है। क्या खून का रिश्ता है मामा? अपने रिश्ते सिर्फ दिल से बनते हैं, दिल से। और अब उनका दिल का रिश्ता सिर्फ माता जी से। और माता जी बोलेगी सिद्धांत फाइट, तो सिद्धांत फाइट जाएगा। अगर माता जी बोलेगी सिद्धांत उठ, तो सिद्धांत उठ जाएगा। अगर माता जी बोले सिद्धांत ठो, सिद्धांत ठोक देगा। माता जी बोले सिद्धांत उठ, सिद्धांत उठ जाए। माता जी बोले सिद्धांत ठोक, सिद्धांत। बदल गया है प्रेम, बदल गया है सिद्धांत, और बदल गया है उनका पेशा भी। कहानी में भाई भाई के खून का प्यासा है। कहानी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये समझ से बिल्कुल परे है। शैतान से पीछा छूटा नहीं कि जमाई राजा की देखा देखी याददाश्त भुलाने का नया शगुफा मिल गया है राइटर्स को। तो हमें खबर देनी पड़ेगी क्योंकि हमें कुछ भी याद नहीं है ये सब, यू नो, दिस इज द ट्विस्ट। हम लोगों को नहीं पता कि क्या हो रहा है हमारे साथ, हम कहाँ पे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे, ये किरदार कौन है, मैं कौन हूँ, ये कौन है। नाम हमारे वही है लेकिन प्रेम का क्या बैकग्राउंड था, सिद्धांत का क्या बैकग्राउंड था, क्या बैकग्राउंड स्टोरी, किसी को कुछ नहीं पता। इन सारी साजिशों की सूत्रधार है चंद्रमणि, जिसने अपने चक्रव्यूह से सिमर को फिलहाल बाहर रखा है और दी है धमकी प्रेम को अपना बनाने की। तो आखिरकार हमें तुमसे पूछना तो होगा ही ना कि हम तुम्हारे प्रेम जी के लायक है नहीं या नहीं? वो मेरे पति है। दिलचस्प है ना, जिसे देखो वो प्रेम का दीवाना बन जाता है और सिमर बस देखती रह जाती है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, हर 6 महीने बाद प्रेम जी से कोई सगाई करने वाला होता है, कोई शादी करने वाला होता है, मुझ पे दया नहीं आती उनको कि मैं हूँ। सो यस, एवरीथिंग इज चेंज्ड। और तो हाँ, वियर चीज़ें तो हैं। अब ये सारा जो चक्रव्यूह है ये चंद्रमणि का रचाया हुआ है, अब इसे तोड़ना कैसे है वो ढूंढना पड़ेगा। अब जरा ये सुन लीजिए कि चंद्रमणि का क्या चक्कर है। अब चंद्रमणि को ऐसा लगता है कि सिमर अच्छी लड़की नहीं है, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है, वो बुरी हैं। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि वो बुरी हैं और सिमर अपनी जगह सही है। तो बहुत ही अच्छा एक वो दिखाया है कि अच्छा और बुरा की कोई बात नहीं है, सब अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो सिमर की कहानी का लबोलुआब ये है कि यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है और इसे समझने के लिए दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।